अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज की वीडियो में हम मैगर ओटीएस 50 को डिस्कस करेंगे। ओटीएस 60 का मतलब है 60 किलो हर्ट्ज तक ये चलता है, ठीक है, सॉरी 60 किलो वोल्ट तक चलता है, ठीक है, 60 केवी तक चलता है। इसी तरह ओटीएस 80 भी मिल जाता है, 100 भी मिल जाता है, 80 केवी तक चलता है और 100 किलो वोल्ट तक चलता है। देखिए, इसके दो टर्मिनल लगे होते हैं, एक साइड पे एक साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव, या फेज और न्यूट्रल कह दें, और ये बीच में बॉक्स लगा होता है। इसके साथ दो इलेक्ट्रोड्स लगे, इसमें हम ऑयल डालते हैं, ठीक है, ऑयल डाल के हम इसकी रेजिस्टिविटी ऑयल की चेक करते हैं। तो जब ऑयल डाल के इसको अंदर लगा ऑन कर देते हैं, यहाँ से इसका स्विच लगा हो और साथ में प्ले का बटन लगा हो, तो जैसे ऑन कर देते हैं 2 kV/s के लिहाज से इसकी सप्लाई वोल्टेज बढ़ाता जाता है। तो जैसे वोल्टेज बढ़ाता है तो एक ब्रेक डाउन पॉइंट आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस ऑयल का ब्रेक डाउन वोल्टेजेस क्या है, ठीक है। तो लेकिन ये बात एक और भी है इसमें कि इसमें आपने ब्रेक डाउन वोल्टेजेस को स्पेसिफिक नोटिस करना होता है। इसमें आप में देखें, ट्रांसफार्मर के अंदर एयर की जगह ऑयल इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जो ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो उसी को चेक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं मैगर, ठीक है। तो जो इसके ब्रेक डाउन वोल्टेजेस होते हैं वो हमें पता लग जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ना इसका एक यूजर मैनुअल भी दिया होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो सारा कुछ उससे पता लग जाता है कि हमने क्या क्या करना है। इसके साथ ना एक पेपर शीट दी होती है, यूजर मैनुअल, जिसकी मदद से आपको सारा कुछ पता है। वैसे तो इसका एक आसान सा तरीका है कि ये जैसे स्विच ऑन कर दें, साथ में प्लेट का बटन दबा दें, तो वो जिस ब्रेक डाउन वोल्टेज वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए, ये इसका यूजर मैनुअल है, ठीक है। यूजर मैनुअल में इसकी सारी चीजें गिवन है। ये ATS 60 है, ठीक है, इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। देखिए यहाँ पे बताया कि ATS 60 जो है 60 किलो वोल्ट, यानी कि पॉजिटिव से -30 kV से पॉजिटिव 30 kV तक जा सकते हैं। इस तरह ओटीएस 80 जो है वो 80 किलो वोल्ट तक जा सकते हैं। प्रॉप सप्लाई 120 और 120, 240 यानी कि सब पे जा सकते हैं। 60 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज दोनों के लिए सही है, ठीक है। इसका वेट, टेम्परेचर, इसका रेंज, ह्यूमिडिटी लेवल वगैरह सारी चीज़ें इसमें गिवन। अच्छा, इसमें ये चीज़ें एक दिखने वाली है, इसके जो इलेक्ट्रोड्स के शेप्स होते हैं। देखिए, हमारे वाला जो था आपने देखा होगा इस तरह का बॉल की शेप में होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ना, बॉल वाली शेप को। इसके अलावा भी होते हैं, अब ओटीएस 60 है तो इसके अलावा दूसरी अवेलेबल है, ओटीएस 80 है या 100 है, ठीक है, ये AF/2 है। इस तरह PB भी होता है। अब देखें, ए टाइप के अंदर मशरूम, देखिए मशरूम की शक्ल है तकरीबन, इस तरह से इलेक्ट्रोड्स पर लगे होते हैं। इस तरह बी टाइप्स के अंदर जैसे अभी इसके हैं, ये वाले, ये अपने वाले इसके जो है, ठीक है। इस तरह सी और डी टाइप दोनों सिलेंड्रिकल होते हैं, लेकिन इनके रेडियस में फर्क होता है, ठीक है। इसके अपने फॉल्ट कोड्स हैं, इतना ज़्यादा कोड याद रखने का फ़ायदा नहीं है। ये है कि क्योंकि ये ब्रेक डाउन वोल्टेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें इससे ब्रेक डाउन वोल्टेजेस का सही अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका इन शॉर्ट यही पर्पज़ है कि ब्रेक डाउन वोल्टेजेस चेक करने के, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर दूसरा ऑयल, इसीलिए अगर उसकी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी तो ही इंसुलेट कर पाएगा, वरना एक वक्त आता है कि ये आयोनाइज होके एयर को, गैप को ख़त्म कर देता है, ठीक है। आप करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।